हेलो स्टूडेंट्स बेटे, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्लस वन क्लास का चैप्टर वन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि प्लस वन में आप नए हो तो उसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर कोई पूछ लेता है कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप बताते हैं केमिस्ट्री, तो वो पूछता है केमिस्ट्री होती क्या है। जिसको इतनी नॉलेज नहीं है इस केमिस्ट्री के बारे में, तो वो केमिस्ट्री होता क्या है ये पूछेगा। आपने बेटे टेंथ क्लास में फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो पढ़े थे वो केमिस्ट्री के थे। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, उसको ये तो बता नहीं सकते कि पहले 5 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं वो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है? दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। कौन सी ब्रांच है साइंस की? मीन्स साइंस की ये एक ब्रांच है विच डील्स और विच स्टडीज, जो किस चीज को स्टडी करती है। दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। किस किस चीज की स्टडी करती है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज। किस चीज की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं? मैटर की। सो दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द, जो किसको स्टडी करती है, दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मींस मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो ब्रांच ये स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और सिंपली आप क्या कह सकते हो, सिंपली आप लिख सकते हो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ये किस चीज की स्टडी है जी? मैटर की स्टडी है, ठीक है, इट इज स्टडी ऑफ मैटर। तो पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। देन अब केमिस्ट्री में भी अलग अलग, फर्दर टेंथ तक तो आपने उसमें अलग फील्ड नहीं पढ़े क्योंकि वहां तो इकट्ठा साइंस पढ़ते थे आप, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन पार्ट थे, उसके बारे में भी इतना क्लियर नहीं था। बट केमिस्ट्री जो है फर्दर, केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेज हैं। कहीं पे आपने सुना होगा अलग अलग ब्रांचेज होती हैं केमिस्ट्री की। ब्रॉडली तीन ब्रांचेज हम केमिस्ट्री की लेते हैं। ब्रॉडली तीन ब्रांचेज कौन कौन सी लेते हैं? एक है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीन ये ब्रांचेस है ब्रॉडली, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और हम ये भी पता करते हैं कि ये क्या होती हैं, इनके बारे में क्या है, ये क्या स्टडी करती हैं। अब ये ब्रांचेस किसकी हैं? केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की? जो किसको स्टडी करती है? दैट स्टडी द फिजिकल चेंजेस इन द मैटर। जो मैटर में होने वाली फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो चेंजेस जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंजेस। उनको हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है बेटे, वो चेंजेस जिनको क्या कर सकते हैं, हम रिवर्ट कर सकते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। मैटर में कौन सी फिजिकल चेंजेस हो रही हैं? मींस मैटर की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कैसे कन्वर्ट हो रही है, क्या फैक्टर्स हैं, जो सारा स्टडी करती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज द फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बेटे उसको? फिजिकल केमिस्ट्री। तो दूसरा एक और ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टेंथ क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कार्बन कंपाउंड चैप्टर, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ, और यू मे से दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी है।
कार्बन के कंपाउंड्स आपको पता है अलॉन्ग विद द हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ कार्बन के जो कंपाउंड है दे आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। तो बाकी कंपाउंड्स आपने पढ़ा है टेंथ क्लास में उससे डिराइव होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल सकते हो, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो। सो सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और आइदर यू में से इट इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव और उसके डिराइव होने वाले कंपाउंड्स की स्टडी है। तीसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये था ऑर्गेनिक, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। अब मैंने बोला ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के कंपाउंड्स की ब्रांच है, कार्बन को छोड़ दो बाकी सारे ऑल अदर एलिमेंट्स कौन से हो गए फिर, कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स हैं उन सबके कंपाउंड्स की स्टडी किस में आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन। हाँ, कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, वो किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। बट कार्बन के कंपाउंड जो किस ओरिजिन से मिलते हैं हमें, प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो ये तीन मेन ब्रांचेज हैं कौन सी, केमिस्ट्री की। बट इसके अलावा भी कुछ और ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, लाइक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिमिलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री, कैटलिस्ट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा कैटलिस्ट, नैनो केमिस्ट्री, बहुत सारी हैं। बट इन ब्रांचेस के बारे में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये ब्रॉडली तीन ब्रांचेस जो हैं आपके प्लस वन प्लस टू में काम आएंगी। अब हमने यहाँ पे बोल दिया इट इज स्टडी ऑफ मैटर, तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर फर्दर बेटे, व्हाट इज मैटर, क्योंकि केमिस्ट्री स्टडी है मैटर की, तो हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए, मैटर होती क्या है, व्हाट इज मैटर, मैटर की क्या डेफिनेशन है। मैटर इज एनीथिंग, वैसे तो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, एनीथिंग विच हैज, जिसका क्या है, विच हैज मास, जो विच ऑक्यूपाई मास, जिसका मास होता है, विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर सेंसेस, वो सब्सटेंस जिसका क्या होता है, मास होता है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और तीसरी एक और चीज हम ऐड करते हैं जिसको हमारी पांचों में से कोई भी सेंस फील कर सकती हो, ठीक है, दैट कैन बी फेल्ट, मीन्स आइदर हम उसको स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है और वो हमारी किसी एक सेंस के थ्रू फील किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। ये पेन मैटर है, बुक मैटर है, आपकी क्लास में यूज होने वाला चौक, बोर्ड, दीवार, फैन, एवरीथिंग दैट प्रेजेंट अराउंड अस दैट वी कैन सी दैट आर मैटर, वो सब चीजें मैटर है। मैटर के बारे में तो पता चल गया, बट मैटर की क्लासिफिकेशंस पता होनी चाहिए कि क्या टाइप्स होती हैं। ब्रॉडली मैटर जो है उसकी दो क्लासिफिकेशंस है, एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन मींस फिजिक के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, फिजिकल क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस से तीन इसकी क्या पढ़ी होंगी, टाइप्स पढ़ी होंगी मैटर की, फॉर्म पढ़ी होंगी, कौन सी फॉर्म्स पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इट इज कॉल्ड एज अ गैसियस स्टेट। ये तीन फॉर्म तो आपने छोटे होते से पढ़ी होती हूँ, बट यहां पे मैं दो फॉर्म्स और ऐड कर रहा हूं, दैट इज कौन कौन सी है, फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ है
सुपर कूल्ड सॉलिड, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वैसे ये नाइन्थ क्लास में था, बट कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा स्टडी अवेलेबल भी नहीं है इन दो स्टेट्स के बारे में, तो आपने इग्नोर कर दिया होगा। अदरवाइज आपने वहाँ मैटर की अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है। सॉलिड क्या होता है? क्या होता है सॉलिड जी? एनीथिंग विच हैज़, जिसका क्या होता है, दैट हैज़ मास, दैट हैज़ फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड। दैट इज जनरली रिजिड, दैट इज जनरली रिजिड। रिजिड मीन्स डज नॉट चेंज शेप, जो चेंज नहीं करता शेप, हार्ड होता है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हो? सॉलिड। एग्जाम्पल ले सकते हो चौक, पेन, टेबल, चेयर, ये सब इसमें सॉलिड की एग्जाम्पल आ सकती हैं। जनरली आपको वहाँ पता है, नाइन्थ में पढ़ा है कि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। स्पेसेस जो होती हैं पार्टिकल्स के अंदर बहुत कम होती हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, ठीक है। फर्दर क्या है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है? अब पहले मैंने बताया दोनों चीज़ें फिक्स होती हैं। दोनों चीज़ें क्या फिक्स होती हैं? उसकी मास भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होती है। अब क्या है लिक्विड के बारे में, दे हैव क्या फिक्स है उसका और क्या फिक्स नहीं है, आपको पता होगा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती। मान लीजिए आप वाटर को लेते हैं, वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, मिल्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, ऑयल इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। तो आप वाटर को लेते हो एक गिलास में, तो ग्लास की शेप ले लेता है। मेयरिंग सिलेंडर में लेते हो तो मेयरिंग सिलेंडर की शेप ले लेता है। बट अगर आप उसको किस में डाल देते हो, किसी फ्लैट कंटेनर में डाल देते हो, तो वो फ्लैट लगेगा, अपीयरेंस उसकी फ्लैट होगी। सो व्हाट इज लिक्विड? दैट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। जनरली दैट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दैट इज प्लेस्ड, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है उसकी शेप ले लेता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी हैं, वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है? लिक्विड्स हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स फिर कैसे होते हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होते हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर स्लाइटली एज कंपेयर टू सॉलिड, उससे दूर होते हैं। थर्ड क्या आ गए फिर? गैस। यहाँ पे दोनों चीज़ें फिक्स थी सॉलिड में, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स रहा बट शेप फिक्स नहीं रही। यहाँ पे दोनों चीज़ें फिक्स हैं, नो फिक्स, नॉट फिक्स्ड। गैस में दोनों ही फिक्स नहीं है। क्या दोनों फिक्स नहीं है? नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं रहती। आपने बैलून्स देखे होंगे डिफरेंट टाइप के, हार्ड शेप बैलून है, रॉड शेप बैलून है, राउंड बैलून है। तो जैसे आप उसमें एयर ब्लो करते हैं, एयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गैस, तो वैसी शेप ले लेती है। और जनरली आप सिलेंडर को कभी ये नहीं बोल सकते कि सिलेंडर इज एम्प्टी, क्योंकि चाहे उसमें गैस कम है बट उसने पूरी स्पेस ले रखी है सिलेंडर की। सो क्या होता है? ना तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होती है। अब इसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं? गैसेस की बहुत सारी एग्जाम्पल है, मैंने एयर आपको एज ए एग्जाम्पल दे दी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपने टेंथ क्लास में गैसेस पढ़ी हैं। ऑक्सीजन को हम स्मेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे किस लिए जरूरी है? लिविंग रहने के लिए जरूरी है। तो दीज आर द गैसेस। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर जनरली फ्री टू मूव, एक दूसरे से परे मूव कर जाते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा पड़ोसियों घर में कोई अच्छी सी चीज़ पकड़ी होती है तो स्मेल आपके तक आ जाती है, हाउ दैट पार्टिकल ऑफ
गैस दैट मूव्स टू यू, वो आपके नाक तक स्मेल आ जाती है, तो उससे क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली. हाँ, बट वो चीज वहां से पकी हुई वहां आपके पास नहीं आती, बिकॉज दैट इज आइदर सॉलिड और लिक्विड, वो हमारे पास नहीं पहुंच रही. इसके अलावा दो और स्टेट्स हैं जिनके बारे में इतनी स्टडीज अवेलेबल नहीं है, जब वो स्टेट्स जो है इतनी कॉमन नहीं है. एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मा स्टेट की बात करें, हाउ दिस प्लाज्मा स्टेट इज formed, it is that state of matter, कौन सी state है matter की, which is formed by superheating of gas, superheating of gas, किसी gas को superheat कर दो means काफी ज्यादा heat कर दो तो क्या बन जाती है, कौन सी state बनती है, plasma state बनती है. How that plasma state formed by the superheating of the gas molecule, कैसे बनती है, जैसे आप gases को heat करते हो उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड जो बाकी एटम बच गया, जो आयन आप बोल सकते हो पॉजिटिवली चार्ज बच गया, वो अलग हो जाता है. सो दिस सुपर हीटेड गैस इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा स्टेट. जनरली दिस स्टेट एग्जिस्ट कहां पे एग्जिस्ट करती है, जितने भी स्टार्स हैं उन सब में ये प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपको पता है स्टार्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन या हीलियम गैस प्रेजेंट है, सुपर हीटिंग वहाँ होती रहती है. स्टार्स में, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट है. फर्दर है सुपर कूल्ड सॉलिड और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये तीन तो आपने पढ़ी होंगी, ये दो हमने और ऐड कर दिए, हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है. तो ये स्टेट कैसी है, इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जनरली 15 टू 20 एटम्स दे कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स कूल हो जाते हैं. व्हेन 50 टू 20 एटम्स कंडेंस, मान लेते हैं ये ऐसे कुछ एटम्स हैं बहुत सारे, 15-20 एटम्स हैं, जैसे वो कंडेंस होते हैं तो उनकी बाउंड्रीज क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, एक कॉमन बाउंड्री रह जाती है, और उससे क्या बन जाता है, 15-20 एटम्स के मिलने से जो एटम बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ सुपर एटम, दैट इज कॉल्ड एज अ सुपर एटम. और ये जनरली सॉलिड से कंडेंस होके बना है तो इसलिए इसको बोल दिया सुपर कूल्ड सॉलिड. ये स्टेट भी कॉमन नहीं है, क्यों कॉमन नहीं है, बिकॉज इसके बनने के लिए जनरली टेम्परेचर कितना चाहिए, -50 डिग्री से लेके -70 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, और वो जनरली ऐसे पॉसिबल नहीं है. तो हाँ, एंटार्क्टिका रीजन में ये है इतना टेम्परेचर, वहाँ पे ये स्टेट क्या है, एग्जिस्ट कर सकती है, अदरवाइज इट दिस स्टेट इज नॉट कॉमन. तो ये दोनों स्टेट्स कॉमन नहीं है, एक स्टार्स पे एग्जिस्ट करती है, दूसरी काफ़ी कूल्ड पोजीशंस पे एग्जिस्ट करेगी. तो दिस वाज फिजिकल क्लासिफिकेशन. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद अनदर क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल के बाद दूसरी टाइप है क्लासिफिकेशन की, केमिकल क्लासिफिकेशन. देन इज अ बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद अनदर क्लासिफिकेशन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. हाँ, केमिकल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड मैटर फर्दर ब्रॉडली दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. हाँ, प्योर सब्सटेंसेस क्या है और मिक्सचर क्या है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस इज अ सब्सटेंस विच कंटेन, जिसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स अ सिंगल सब्सटेंस, जिसमें सिंगल सब्सटेंस होता है, दैट कंटेन सिंगल सब्सटेंस. ठीक है जी, जिसमें क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस होता है. और यू में से उसको फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, किसी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंस. ये जो प्योर सब्सटेंस है
ये फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कंपाउंड्स। व्हाट इज दिस एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट दैट इज द दैट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। एलिमेंट इज दैट काइंड ऑफ पार्टिकल विच प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें सिर्फ एक काइंड के एटम होते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एलिमेंट इज दैट फॉर्म विच सिंपलेस्ट फॉर्म विच कांट बी फर्दर डिराइव फ्रॉम द एनीवन, जो किसी से डिराइव नहीं हो सकता, जिसको फर्दर किसी से डिराइव नहीं किया जा सकता, किसी सिंपल सब्सटेंस से उसको डिराइव नहीं किया जा सकता, उसको एलिमेंट बोल देते हो। बहुत सारी एग्जाम्पल्स एलिमेंट की आपने 10th क्लास में पढ़ी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, बहुत सारी एग्जाम्पल्स एलिमेंट्स की आपने पढ़ी होंगी। बेटी ये जो एलिमेंट्स हैं, आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा है पीरियोडिक वाला चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, 118 एलिमेंट्स टिल टाइम हमें पता है। कितने एलिमेंट्स पता है? 118 एलिमेंट इस टाइम तक पता है। और ये भी आपको पता होगा ये एलिमेंट्स फर्दर क्या तीन टाइप के हो सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक तीसरी टाइप थी, क्या थी वाला? हाँ, आपको याद होगा, मेटलॉइड्स, जिसको आप सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। तो ये फर्दर क्या हो सकते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, उसके बारे में आपको पता है। मेटल वो होते हैं जिनके लस्टर होता है, सॉलिड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। कई बार वो एज ए मेटल प्रॉपर्टी शो करते हैं, समटाइम वो एज ए नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो व्हाट इज फर्दर कंपाउंड? क्योंकि सिंगल सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस की एक टाइप थी एलिमेंट, अनदर टाइप इज कंपाउंड। एंड कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कौन सा प्योर सब्सटेंस है? कंपाउंड, दैट प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय, हाउ इट इज फॉर्म्ड? दैट इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से बना होता है। बट सिंपली मिक्स नहीं करने हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, हाउ दे आर कंबाइंड? कंबाइंड टुगेदर बाय फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होंगे। फिक्स्ड रेशियो कैसे होगी? बाय वेट मिक्स फिक्स्ड रेशियो होगी। सो कंपाउंड क्या होता है? दैट प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय, हाउ इट इज फॉर्म्ड? बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। बट सिंपली कंबाइन नहीं करेंगे, किस तरह कंबाइन करेंगे? बाय कंबाइनिंग फिक्स रेशियो बाय मास, मीन्स बाय मास फिक्स रेशियो में अगर कंबाइन दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कर जाते, सॉरी एलिमेंट कर जाते, दैट फॉर्म्स कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड जो है फर्दर वो भी दो टाइप के हैं। वो कौन सी दो टाइप के हो सकते हैं? एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी पहले ही पढ़ा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जनरली दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने इथेनॉल पढ़ा होगा 10th क्लास में, इथेन पढ़ा है, फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और बाकी कार्बन को छोड़ दो, बाकी जितने भी एलिमेंट, उन सब के कंपाउंड्स किस कैटेगरी में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, जा इथेन, मीथेन, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो भी ले सकते हैं आप, वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये तो होगी प्योर सब्सटेंसेस की। देन मिक्सचर, मिक्सचर की भी मैंने आपको बताया क्या है, वो केमिकल क्लासिफिकेशन में है। व्हाट इज मिक्सचर? अब यहाँ पे मैंने बताया था दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे, बट क्या होगा? बाय फिक्स रेशियो बाय मास। तो मिक्सचर क्या होता है? दैट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा, क्या दो या दो से ज़्यादा? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
हो सकता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर जाए या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स कंबाइन कर जाए, मिक्स हो जाए इन एनी प्रपोर्शन। एक चीज थोड़ा सा अलग है, किससे अलग है? कंपाउंड से। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग और कंबाइनिंग इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास, बट यहाँ पे मिक्सचर कैसे बनता है? किसी भी कंपोजिशन में कंबाइन करने के दो एलिमेंट या दो कंपाउंड, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, अगर वो किसी भी प्रपोर्शन में किसी भी रेशियो में कंबाइन कर जाते हैं तो दैट फॉर्म्स अ मिक्सचर। मिक्सचर जो है इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो एयर की, एयर एग्जाम्पल ले सकते हो, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर ले सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, शुगर सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर दैट इज कॉल्ड एज अ शुगर सॉल्यूशन। आप शरबत पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर हैं फर्दर ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमो means same, ठीक है, homo means same, means this is such type of mixture, homogeneous mixture क्या है जिसमें क्या नहीं होती, no visible boundaries, और you may say जितने भी इसके क्या होते हैं components होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, no visible boundaries, क्या नहीं होती है उसकी visible, क्या नहीं होती हैं, boundaries नहीं होती हैं, बाउंड्रीज उसकी, तो उसकी क्या फिक्स नहीं होती है। अच्छा, बाउंड्री के हमने स्पेलिंग गलत लिख ली हुए हैं, बाउंड्रीज, दे आर नॉट हैविंग फिक्स्ड बाउंड्रीज, उसकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। अब एग्जांपल के लिए मैंने शुगर सॉल्यूशन बोला है, आप डिसॉल्व कर देते हो शुगर, तो क्या बाद में दिखता है शुगर कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे अलग होता है? उसकी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के, वो विजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है, शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, एयर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें कहीं दिखता है कि ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, आपको पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सम अदर गैसेस, तो उसमें दिखती नहीं है ना अलग अलग से। तो दूसरी टाइप मिक्सचर की क्या है, ये था होमो, दैट इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें हमने बोला विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती होमोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस की क्या होती है, दैट हैज विजिबल बाउंड्रीज, उसका मिक्सचर इतनी अच्छे तरीके से कंपोजिशन में नहीं होता, उसकी कंपोजिशन अलग अलग दिखती है जब उसकी बाउंड्रीज अलग अलग दिखती हैं, ठीक है। इफ़ ए मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती अगर थ्रू आउट, और उसकी क्या होती है विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, तो तब हम उसको क्या बोल देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो सैंड डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में सैंड डिजॉल्व कर दो, बट जब तक आप हिलाते हो तब तक तो आपको लगता है क्या, डिजॉल्व हो गई, ठीक है, बट जैसे ही आप क्या करते हो सैंड फिर भी अलग दिख रही होती है और वाटर के अलग दिख रहा होता है। जैसे आप डिस्टर्ब करना बंद करते हो, मतलब डिसॉल्व करना बंद करते हो, तो व्हाट यू नोटिस, क्या नोटिस करते हो, सैंड धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दैट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें क्या है कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। तो ये हो गई क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन, किसकी केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर की। उसके अकॉर्डिंगली दो फॉर्म्स थी, प्योर एंड मिक्सचर, प्योर फर्दर दो टाइप थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मिक्सचर की भी फर्दर दो टाइप थी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।